हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मलिक कुमार श्रीवास्तव। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस चैप्टर टू प्लांट एडेप्टेशंस। प्लांट एडेप्टेशंस, एडेप्टेशंस क्या है? ये द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं हैबिटेट कहते हैं पौधे का निवास स्थान। पौधे का निवास स्थान यानी पौधे जिस स्थान पर उगते हैं, जन्म लेते हैं, रहते हैं, उसको हम उनका हैबिटेट कहते हैं। द प्लेस वेयर, वह स्थान वेयर एन ऑर्गेनिज्म, जहां कोई जीव नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। प्राकृतिक रूप से जहां वह रहता है वह उस स्थान को उसका निवास स्थान कहा जाता है। द स्पेशल फीचर्स, निवास स्थान कहते हैं या उत्पत्ति स्थान भी कह सकते हैं, उत्पत्ति स्थान भी कह सकते हैं। द स्पेशल फीचर्स, एक खास विशेषताएं एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म यानी जीव के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं टू एडजस्ट इटसेल्फ, अपने आप को अनुकूल रखने के लिए इन ए हैबिटेट, उत्पत्ति स्थान में आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। उसको हम एडेप्टेशंस कहते हैं यानी अनुकूलन कहते हैं। अर्थात वे विशेषताएं जो किसी जीव के द्वारा अपने आप को उस उत्पत्ति स्थान में अपने आप को अनुकूल रखने के लिए जो विशेषताएं जीव के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उसको हम एडेप्टेशंस कहते हैं। एडेप्टेशन माने होता है अनुकूलन। एडेप्टेशन माने अनुकूलन होता है। इन दिस चैप्टर, ये प्लांट एडेप्टेशन जो है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट एडेप्टेशन, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुकूलनों के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शोन बाय प्लांट्स, जो पौधे के द्वारा दिखाया गया है। प्लांट एडेप्टेशन, नाउ यू विल रीड प्लांट एडेप्टेशन यानी पौधे का अनुकूलन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। आप सभी जानते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे एक स्थान पर तो वे उगते नहीं हैं, जन्म नहीं लेते हैं, वे भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं, बढ़ते हैं। These plants, ये पौधे adapt certain features, कुछ खास विशेषताएं लेते हैं to survive, जीवित रहने के लिए in their habitat, अपने उत्पत्ति स्थान में जीवित रहने के लिए कुछ खास विशेषताएं ये पौधे लेते हैं, adapt करते हैं, ग्रहण करते हैं। According to the habitat, अब इस उत्पत्ति स्थान के अनुसार, habitat के अनुसार, they growing, वे बढ़ते हैं, अपने उत्पत्ति स्थान के अनुसार ही वे बढ़ते हैं। Plants can be broadly grouped into two categories, दो श्रेणियों में इन ये पौधे
विस्तृत रूप में, विस्तृत समूह में हो सकते हैं। ये दो प्रकार के श्रेणी हैं, पौधे जो विस्तृत रूप में, विस्तृत समूह में ये होते हैं, उनको हम दो भागों में, दो श्रेणी में बांट सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये दो भाग कौन कौन है, दो श्रेणी कौन कौन है, तो एक है एक्वेटिक प्लांट्स और दूसरा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। यानी एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब होता है जलीय पौधे और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब होता है स्थलीय पौधे। स्थलीय दो प्रकार के पौधे, दो प्रकार के श्रेणी हैं पौधे के। अब नाउ यू विल रीड अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स। अब आप जानेंगे एक्वेटिक प्लांट्स क्या है। तो जलीय पौधे यानी प्लांट्स दैट ग्रो एंड लिव इन वाटर। जो पौधे पानी में यानी जल में रहते हैं, ग्रो करते हैं, रहते हैं, उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स करते हैं, आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है। द फॉलोइंग फिगर शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अब ये किताब में जो फिगर है, भिन्न भिन्न प्रकार के जलीय पौधे को दिखाया गया है ना, इसमें लोटस है और वाटर लिली है वगैरह वगैरह, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे ये पानी में दिखाए गए हैं। अब देखिए ये एक्वेटिक प्लांट्स में एक इमर्जेंट प्लांट्स है, इमर्जेंट प्लांट्स जिसको कहते हैं आकस्मिक पौधे। सम वाटर प्लांट्स आर कॉल्ड इमर्जेंट प्लांट्स। ऐसे पौधे को हम इमर्जेंट प्लांट्स कहते हैं बिकॉज इवन व्हेन देयर रूट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल ऑफ द शैलो वाटर बेड। यानी छिछले वाटर बेड में यानी पानी की तलहटी में जो होता है ना, नीचे पानी के जो नीचे जो तलहटी होता है उसको हम वाटर बेड कहते हैं। तो ये वाटर बेड में के मिट्टी में ये पौधे, इन पौधों की जड़ें जो हैं वो फिक्स होती हैं, स्थिर होती हैं, स्थित होती हैं। देयर लीव्स एंड स्टेम्स एक्सटेंड आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। देयर लीव्स ऐसे पौधे के पत्तियां एंड स्टेम्स और तने एक्सटेंड्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। यानी वाटर बॉडी के सतह जो है उसके ऊपर ये भरण पोषण करने के लिए ऊपर होते हैं। दे आर ग्रोइंग इन, जहां वे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इमर्जेंट प्लांट्स, इमर्जेंट प्लांट्स का उदाहरण क्या है, ये कौन कौन से पौधे हैं, तो एक है बलरस, कैटेल, एरोहेड, ये जो किताब में सब लिखा हुआ है, एरोहेड एंड सेब, ये सब जो पौधे हैं इमर्जेंट प्लांट्स के ये एग्जांपल्स हैं। अब नाउ यू विल रीड फिक्स्ड प्लांट्स। फिक्स्ड प्लांट्स का मतलब है, फिक्स माने आप समझते हैं कि वो स्थित होता है, एकदम फिक्स होता है, फिक्स्ड प्लांट्स स्थित पौधे। These plants are fixed to the water bed. ऐसे पौधे वाटर बेड में फिक्स्ड होते हैं। With their help of strong roots, अपने मजबूत जड़ों के साथ ये वाटर बेड में यह फिक्स होते हैं, स्थित होते हैं। Hence, अतः they are called fixed plants. अतः इनको हम fixed plants कहते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनके स्ट्रॉन्ग रूट यानी मजबूत जड़ें वाटर बेड के में स्थित होते हैं, उनको हम फिक्स्ड प्लांट कहते हैं। एग्जांपल्स जैसे लोटस एंड वाटर लिली, दे हैव थिन लॉन्ग स्टॉक्स। दे हैव थिन, ऐसे पौधे को ये पौधे जो है थीन यानी पतले, लॉन्ग स्टॉक्स यानी लंबे, जो एक पतला तना होता है, पतला तना होता है, उसी को हम स्टॉक्स कहते हैं, यानी लॉन्ग स्टॉक्स यानी लंबे ये तने। दैट आर हॉलो एंड लाइट इन वेट,
जो हॉलो माने होता है एकदम हल्का, लाइट माने हल्का और हॉलो माने खोखला। इनके तने जो है सो खोखले होते हैं, तने जो है इनके खोखले होते हैं जिनको हम हॉलो कहते हैं। तो ऐसे तने हॉलो यानी खोखले होते हैं और लाइट होते हैं, एकदम हल्के होते हैं। बीज की द फ्लावर्स एंड लीव्स फ्लोटिंग, और ये जो तने जो होते हैं, जो पतले जो तने होते हैं और जो पतले लॉन्ग तने जो होते हैं, ये अपने पत्तियों को और फूलों को वाटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर यानी पानी के सतह पर ये फ्लोटिंग करने में मदद करते हैं, यानी पानी के ऊपर तैरने में ये मदद करते हैं। These leaves of these plants have a waxy coating that prevents from getting wet. ये पौधे, ये जो फूल है और पत्तियां है, ये ज्यादा भीग नहीं पाए। इनके पत्तियों पर क्या होता है कि एक वैक्सिंग कोटिंग होता है, यानी मोम वाली परत होती है, यानी कोमल परत होती है, वैक्सिंग मोमिंग परत जिसको भी कह सकते हैं, जिसके कारण ये वेट नहीं हो पाते हैं, यानी वेटफुल नहीं हो पाते हैं, ज्यादा भीगते नहीं है, उन्हें भाग नहीं हो पाता है। The leaves have stomata. इन पत्तियों में स्टोमाटा होते हैं ऑन द अपर साइड। अब ऐसे पत्तियों में के ऊपर जो है अपर साइड में स्टोमाटा होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अधिकांश पेड़ पौधे जो जलीय नहीं होते हैं, पेड़ पौधे के निचले पत्तियों के निचले भाग में यानी अंडर साइड में स्टोमाटा होता है, लेकिन ये जलीय जो पौधे हैं इनके ऊपरी सतह यानी अपर साइड में स्टोमाटा होता है इंस्टीट ऑफ द लोअर साइड। फिक्स्ड प्लांट्स, ये जो स्थिर पौधे जो होते हैं, फिक्स्ड प्लांट होते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल यानी मिट्टी से तत्व लेते हैं, इन द वाटर बेड्स थ्रू देयर रूट्स, अपने जड़ों के सहायता से, जड़ों की मदद से, जड़ों के द्वारा ये न्यूट्रिएंट्स सॉयल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो वाटर बेड होता है, उस वाटर बेड में जो जड़ें होती है उस जड़ से यानी जो मिट्टी से ये अपने जड़ों के द्वारा न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स, अब अंडर वाटर प्लांट्स क्या है? अंडर वाटर यानी पानी के नीचे जो पौधे होते हैं यानी पानी से ऊपर नहीं होते हैं, पानी के अंदर जो पौधे होते हैं उनको हम अंडर वाटर प्लांट्स कहते हैं। ये भी एक्वेटिक प्लांट है यानी पानी में के अंदर रहने वाले, पानी से ऊपर दिखाई नहीं पड़ते हैं, पानी में ही रहते हैं, इनको हम अंडर वाटर प्लांट्स कहते हैं। दीज प्लांट्स ग्रो एंड रिमेन कंप्लीटली समर्ड। तो ये जो है ऐसे पौधे ग्रो पानी में ही बढ़ते हैं इनटू द वाटर, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड समर्ज प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे को हम समर्ज प्लांट्स यानी जलीय पौधे कहते हैं जो जल में ही रहते हैं। एग्जांपल्स हाइड्रिला, ऐसे पौधे ये अंडर वाटर प्लांट्स के उदाहरण है हाइड्रिला और विलिस नेरिया एंड पॉन्डवीड, ऐसे पौधे के उदाहरण हैं। दे हैव थिन नैरो रिबन लाइक लीव्स, रिबन की तरह इनके पत्तियां होती हैं और पतले होते हैं, नैरो यानी नुकीले होते हैं लीव्स, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग टॉर्न बाय द फोर्स ऑफ वाटर करेंट, यानी पानी में जो करेंट होता है, जो प्रवाह होता है उस प्रवाह से बचने के लिए ऐसे पौधे के पत्तियां जो है पतली नुकीली और रिबन की तरह ये इनके पत्तियां होती हैं, यानी अपने आप को ये बचाते हैं पानी के प्रवाह से, तेज प्रवाह से, गेटिंग टॉर्न बाय द फोर्स ऑफ वाटर करेंट्स। द लीव्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स यानी ये जल में जो पाए जाने वाले जो पौधे हैं अंडर वाटर प्लांट्स,
उनकी पतियां डू नॉट हैव स्टोमाटा, डू नॉट हैव स्टोमाटा बट दे इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इनके पास स्टोमाटा नहीं होते हैं किंतु बच्चों यही समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में फिर हम आपको बताएंगे। शेष, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।